हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ क्लास सेवन ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इकोसिस्टम इकोसिस्टम क्या है द सिस्टम इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड सराउंडिंग एनवायरमेंट इज कॉल्ड एन इको सिस्टम हम एक ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जहां पर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ और अपने चारों तरफ के एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट डू यू मीन बाई नेचुरल एनवायरमेंट नेचुरल एनवायरमेंट से आप क्या समझते हैं दी एनवायरमेंट दैट कम्प्राइजेस ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाई नेचर एक ऐसा एनवायरमेंट जिसकी सभी चीजें नेचर ने क्रिएट की हो मैन मेड ना हो इज कॉल्ड नेचुरल एनवायरमेंट कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं आपको लैंड एयर वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स थर्ड क्वेश्चन इज आर द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट एनवायरमेंट के कौन कौन से मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं थ्री मेजर कॉम्पोनेट्स एनसीआरटी में दिया है सबसे पहले नेचुरल एनवायरमेंट जो नेचर ने क्रिएट किया है सेकेंड है ह्यूमन एनवायरमेंट ह्यूमन एज एन एन्वायरमेंट और तीसरा है ह्यूमन मेड एन्वायरमेंट एक ऐसा एनवायरमेंट जो ह्यूमन बींग ने बनाया है मैन मेड है नेचुरल एनवायरमेंट में आएंगे लैंड एयर वाटर लिविंग थिंग्स ह्यूमन एन्वायरमेंट इंडिविजुअल फैमिली कम्युनिटी रिलीजन एजुकेशनल एनवायरमेंट ह्यूमन मेड एनवायरमेंट बिल्डिंग्स पार्क ब्रिजेस रोड्स इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा गिव फोर एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एमेंट चार एग्जाम्पल्स दीजिए ह्यूमन मेड एनवाइ के ऐसा एनवायरमेंट जो ह्यूमन बींग ने क्रिएट किया हो सो इन फाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आपके आसपास आंसर विल भी फोर एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवाइ आर बिल्डिंग्स पार्कस इंडस्ट्रीज एंड रोड्स वॉट इज लिथोस्फेयर लीथोस्फेयर क्या है द हार्ड टॉप ले अर्थ अर्थ की जो टॉप लेयर है उसे हम कहते हैं। वो रॉक्स और मिनरल से बनी कवर्ड है नेक्स्ट इज व्हाट आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट बायोटिक एनवायरनमेंट के कौन से दो मेजर कंपोनेंट्स हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हाट इज बायोस्फीयर बायोस्फीयर क्या है बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड वॉटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ एक ऐसी जगह जहां पर तीनों चीजें मिलती हो लैंड भी है लीथोस्फेयर भी है वॉटर हाइड्रोस्फेयर का भी पार्ट है एंड एयर एटमोसफेयर भी है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए तीनों ही चीजें आपको चाहिए जमीन भी चाहिए हवा भी चाहिए एंड पानी भी चाहिए तो एक ऐसी जगह जहां पर ये तीनों चीजें मिलती हो उसे हम बोलते हैं बायोस्फेयर सेकेंड क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन है आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम इनमें से कौन नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है यानी कि मैन मेड है नेचर ने नहीं क्रिएट किया है डेजर्ट एक्वेरियम या फिर फॉरेस्ट जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं अर्थ के ऊपर डेजर्ट माउंटेन प्लेन्स प्लेटूस सभी नेचुरली क्रिएटेड है ह्यूमन बींग ने कुछ नहीं बनाया है सिमिलरली फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं वो भी अपने आप से ग्रो हुए हैं हमने नहीं उगाए हैं यानी कि ये दोनों नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट है बट एक्वेरियम मैन मैनमेड एक्वेरियम क्या होता है ग्लास कंटेनर जिसमें पानी भरा होता है और फिश और कुछ वाटर एनिमल्स को रखा जाता है बी ऑप्शन इज इज करेक्ट नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट इनमें से कौन ह्यूमन एनवायरमेंट का कॉम्पोनेट नहीं है लैंड रिलीजन कम्युनिटी सो लैंड नेचुरल एनवायरमेंट का पार्ट है ए ऑप्शन इज करेक्ट विच इज ए ह्यूमन मेड एनवायरमेंट इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड एनवायरमेंट है कौन सी चीज मैन मेड है ह्यूमन बींग ने बनाई है माउंटेन सी रोड सो सी ऑप्शन रोड इज करेक्ट विच इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट इनमें से कौन सा एनवायरमेंट के लिए एक थ्रेट है खतरा है ग्रोइंग प्लांट्स प्लांट्स को उगाना ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है या फिर ग्रोइंग क्रॉप्स बी ऑप्शन इज करेक्ट पॉपुलेशन जैसे ग्रो हो रही है लोगों की डिमांड्स बढ़ रही है उन्हें खाने को ज्यादा चाहिए रहने के लिए घर चाहिए तो जितने भी हमारे पास फॉरेस्ट थे पैश्चर्स थे सभी को कट करके क्लीन करके उनको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया गया वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई गई और भी बहुत सारे तरीके हैं कि इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम एनवायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं उसमें चेंजेस कर रहे हैं नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग फर्स्ट इज बायोस्फेर ये हमने भी क्वेश्चन आंसर्स में भी किया एक ऐसी जगह जहां पर सभी वो कंडीशंस हो जो कि लाइफ को सपोर्ट करती हो सो अ जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरक्ट एटमोस्फेयर रिलेटेड टू एयर यानी कि ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड अर्थ अर्थ के चारों तरफ जो एयर का एक ब्लैंकेट है उसे एटमोसफेयर कहते हैं हाइड्रोस्फेयर वाटर से रिलेटेड है सो डोमेन ऑफ वाटर एनवायरनमेंट आर सराउंडिंग हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं वो एनवायरमेंट ही है रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स ये भी क्वेश्चन आंसर्स में हमने किया था ऑर्गेनिजम्स का उनके बीच में और उनके सराउंडिंग के साथ जो रिलेशन है उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम फोर्थ क्वेश्चन इज गिव रीजंस रीजन बताइए कि व्हाई मैन मॉडिफाइज हिज एनवाइ मैन एनवायरमेंट को मॉडिफाई क्यों करता है उसमें चेंजेस क्यों करता है मैन मॉडिफाइज हिज एनवाइ टू फुलफिल हिज नीड्स एंड टू मेक हिज लाइफ कंफर्टेबल मैन एनवायरमेंट में चेंजेस करता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल ही कट्स फॉरेस्ट उसने जंगलों को काटा एंड क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर और जमीन को साफ किया एग्रीकल्चर के लिए इंडस्ट्रीज के लिए एंड हाउसेज को बिल्ड करने के लिए एग्रीकल्चर क्योंकि फूड ग्रेन की रिक्वायरमेंट थी खाना हमें ज्यादा चाहिए था इंडस्ट्रीज ताकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स वहां पर मैनुफैक्चर हो सके और हाउसेस बनाए रहने के लिए सेकेंड पार्ट था इसका रीजन बताना है आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट क्यों हैं सो प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल अपने सर्वाइवल के लिए जिंदा रहने के लिए फॉर एग्जांपल प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पर विच इज इनहेल्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस जिसको कि हम लोग और एनिमल्स जो हैं वो इनहेल करते हैं ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ अगर हम देखें ह्यूमंस एंड एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन जब हम करते हैं सांस लेते हैं तो उसमें हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज बाई प्लांट्स इन मेकिंग देयर फूड जो कि वो फूड बनाने में फोटोसिंथेसिस के टाइम पर यूज कर लेते हैं तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि इसी तरह से वो सर्वाइव कर सकते हैं जिंदा रह सकते हैं ओके सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था क्लास सेवन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर होपफुली चैप्टर आप सभी को क्लियर होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग